हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज? आज हम आप लोगों के सामने कुछ लाइव डेमो करने जा रहे हैं, यानी रिव्यू बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल मैंने अपने फेस पर सिर्फ आई को छोड़कर और कहीं मेकअप नहीं किया है कुछ भी। मैंने कुछ भी लिपस्टिक या फिर कुछ भी लिप बाम नहीं लगा रखा है, कुछ भी पाउडर क्रीम कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम का पाउडर यूज़ करने जा रही हूँ, लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ, ये सब मैं आपके सामने यूज़ करने जा रही हूँ। काजल मेरे पास में ओरिफ्लेम का है, बट मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों के सामने मैं उसको लगा के देखूँगी, वो दूसरी वीडियो बना दूँगी मैं। और मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू पेपर लिया है, क्योंकि मैं उसको रिमूव करके वो फिर आपको दूसरा लगा के बताती हूँ। तो ये हम प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी, ये देखिए आप। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखने से पहले यही बोलूँगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना विद घंटी बेल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सा ऑयली है और अजीब सा दिख रहा है, और मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है ना, तो मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अगर मैं रेट की बात करूँ इसकी, तो मुझे फ़िलहाल इसका रेट कहीं दिख नहीं रहा है। ये 8 ग्राम है, और ऐसे में आप लोगों को रेट बताऊंगी तो सच्ची में सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, तो बेटर है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे इसका रेट बता रही हूँ, आप वो देख लीजिए। हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने ये अनबॉक्सिंग सब आप लोगों के सामने ही की थी, कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है। ये देखिए, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लाइट लिखा हुआ है, मैं लाइट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसको मैं अभी जस्ट ओपन कर लेती हूँ। इस तरीके से है, मैं अभी पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ये इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट, ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, और अपने फेस पर इसको लगा लेती हूँ। क्या है कि जो ऑयली है वो सब निकल जाएगा, वो सब छिप जाएगा, और मैं थोड़ी अच्छी भी लगूंगी। तो पहले और अभी मैं आपको अभी फ़िलहाल लग रहा होगा, यहाँ भी देखने में और यहाँ देखने में थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही इसको यूज़ करूँगी। थोड़ा सा गर्दन पे भी लगा लेती हूँ, वरना फेस गोरा लगेगा और सब थोड़ा चिपू टाइप का लगेगा। मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ देख के मैं थोड़ा सा इसमें और डीपली कर देती हूँ। ये देखिए, अभी आपको कुछ फ़र्क लग रहा होगा। अब मुझे मेरी स्किन है जो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रही है, ये देखिए बिल्कुल ऑयली नहीं लग रही है। आप इसको थोड़ा सा डीपली भी देख सकते हैं, ये देखिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा ध्यान आपको क्या देना पड़ेगा, अगर आपने आईब्रो में कुछ काजल से या आईब्रो सेट से आपने कुछ किया है, तो इस साइड से आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके करेंगे तो वो एक अलग से ही आईब्रो में भी चमक आती है। तो मैंने इस तरीके से किया, हालांकि मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता है। जो मेकअप एक्सपर्ट होगी प्लीज़ उसको मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं आता। जस्ट मैं अपने घर में जो अपने तरीके से मेकअप करती हूँ, जस्ट वो मैं करने जा रही हूँ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कोई मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, जो मैं घर में खुद करती हूँ मैं उस तरीके से कर रही हूँ। तो फिलहाल ये मैंने यूज़ कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया, क्योंकि मैंने अपनी स्किन से ही मैचिंग मैंने ये मंगाया था। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक हम सबसे पहले खोल लेते हैं। अगर मैं इनकी डीपली बात करूँ तो 5-in-1 कलर लिपस्टिक है इस तरीके से। जो भी जिनका भी रेट रहेगा मैं ऊपर में आपको मेंशन कर दूँगी, क्योंकि 1-by-1 इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा वीडियो में। अगर ग्राम की बात करें तो 4 ग्राम है इसकी, ये देखिए 4 ग्राम है। तो सबसे पहले हम जल्दी इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें है, ये देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं भी खूबसूरत बनने जा रही हूँ। तो इसका जो कलर है ये इस तरीके से है, आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए इस तरीके से है। अभी तक मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इसके लिए तो मुझे मिरर की ज़रूरत ही पड़ेगी, तो मैंने ये पैक किया है। तो मैं इसको सबसे पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बेस्ट अभी कुछ लगा नहीं। तो अभी मैं लगा रही हूँ आप लोगों के सामने ही।
ये देखिए मैंने लगाया है अभी, आप देख रहे होंगे। एक मिनट, ये देखिए इसकी मैं बात करूँ तो एक चीज़ मुझे इसको लगाते लगाते फील हुआ कि अगर मैं मैचिंग में इसको लगाऊंगी तो ये काफ़ी बेस्ट लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही लगा लूँगी कि ये येलो कलर का है, इस पर मैं इसको लगा ली तो ये इस पर सूट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अदरवाइज़ लिपस्टिक का कलर और जो इसका स्मेल है और जो इसका एक वॉइस है वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। आप फिर से इसको देख सकते हैं क्योंकि मैं इसको फिर रिमूव करने जा रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये कितना छूटता है कितना नहीं। तो ये ऑलमोस्ट इस पर आ गया है, ये ऑलमोस्ट इस पर आ गया है, छूट ही गया है। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर मैं कुछ चाय पीऊँगी या फिर कुछ पानी पीऊँगी तो उसमें तो ये इजीली छूट ही जाएगा। तो ये मैं इससे साफ़ करती हूँ पहले। तो ये देखिए हल्का सा साफ़ हो गया है और अब मैं इसको उतार लेती हूँ। फिर मैं दूसरी ट्राई करने जा रही हूँ, फिर मैं ये ट्राई करूँगी, फिर मैं ये ट्राई करूँगी। ये देखिए देखिए उतर चुका है, इसका हम आगे नहीं यूज करेंगे। तो फिर से मैं एक और ट्राई करने जा रही हूँ अभी। तो मैं अभी ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अब मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से इसकी पैकिंग है। इसका भी रेट मैं आप लोगों को बता दूंगी ऊपर में ही। और ये 1.7 ग्राम की है और ये है सुपर मैट। मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से है। अगर इसकी कलर की बात करें तो ये देखिए ये कौन सा कलर है, ये भी मैं आप लोगों को ऊपर में दिखा दूँगी। ये देखिए अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ और इसका रिव्यू आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से लगाई है। अगर इसकी बात करें तो रियली ये बहुत मॉइस्ट रखने वाली लिप्स को है। और मैं आपको डीपली दिखा देती हूँ, डोंट वरी। और इसके कलर की भी बात करें तो ये मुझे बेस्ट लग रहा है, जैसे किसी ऑफिस में जा रहे हैं या किसी ऐसे ही हमने नॉर्मली लगाया हुआ है। इवन आप कभी कभी इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वन पीस पहना हुआ है आपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो ये इस तरीके से लगा हुआ है और बहुत ही ऑसम लग रहा है मुझे। आई डोंट नो वीडियो में कितना क्लियर दिख रहा है बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको उतार के देख लेती हूँ फिलहाल। तो ये देखिए बहुत ही कम उतर के आया, अदरवाइज़ मेरे लिप्स पे ही। और इसका टाइमिंग जो दिया हुआ है वो 12 आवर दिया हुआ है कि ये आपके लिप्स पर लगी रहेगी, इतना जल्दी नहीं हटने वाला है। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि अब हम तीसरा यूज़ करने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, बहुत ही ईजीली उतर गई है। और सबसे बड़ी बात बताओ, दोनों लिपस्टिक लगाने में मुझे ये फ़ायदा रहा तो मेरे लिप्स ना उतारने के बाद भी काफ़ी सॉफ्ट फील कर रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे हटाने के बाद थोड़ा सा रब रब टाइप का लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। और दोनों का स्मेल वाइज देखूँ तो बहुत सुपर दिया हुआ है। अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। अगर इसकी ग्राम की बात, SF15 है ये, तो मैं इसको पूरा आप लोगों के सामने लगा लेती हूँ इसको भी। ये देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से इसकी पैकिंग है। और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने लगाया है आप लोगों के सामने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही एकदम मुझे अपने लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी मेरी बेटी सोई हुई थी सो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने तीनों आप लोगों के सामने लाइव डेमो किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे तो जो ऑनेस्ट लगा मैंने आप लोगों को वो बताया।
और ये इसको लगा कि तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया अपने लिप्स पर, क्योंकि एकदम ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल छूट भी नहीं रहा है। ये देखो बिल्कुल भी नहीं, ना मात्र, ये देखो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो मुझे लग रहा है पक्का कि अगर मैं ऐसे लगा लूँ तो शायद 24 घंटे तक ऐसा ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा डीपली दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, एक मिनट, तो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसको उतारने अभी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बार बार लगा रही हूँ, बार बार उतार रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही सुपर लग रहा है। और थोड़ा सा अगर इसको इस तरीके से सिंपली, बस और कुछ नहीं, काजल है, पाउडर है और लिपस्टिक है और कुछ नहीं, और बस आप ऐसे कहीं भी जा सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं। तो खुद से सच्ची में अगर प्यार ना हो जाए ना तो मुझे बताना आप। ये देखिए, और मुझे ना पॉज देना नहीं आता है मुझे पॉज देना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। यही रिव्यू है कि ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट जस्ट मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छे से सूट आ रहा है, बहुत अच्छे से लग रहा है, मतलब अभी तो मैंने चालू किया ही है। और एक दो दिन बाद आपको, मतलब एक महीने बाद आप लोगों को बता दूँगी प्रॉपरली कि इसका आखिर रिव्यू है क्या क्या नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो भी इन आइटम में आपको जरा सा भी कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ डीपली पूछना हो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, और मुझे ऐसे कमेंट्स करके भी बता सकते हो। अगर अभी तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मुझे लिपस्टिक लगाकर अपने से खुद से एक प्यार वाली फीलिंग्स आ रही है, तो मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज कर करके देख रही हूँ क्योंकि मैंने तो अपना लुक चेंज कर लिया है। अगर आपको करना है तो आप खुद डिसाइड करिए।